हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर बिल्डर सिंह में एक और नए वीडियो लेक्चर साथ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 बाय 40 के प्लॉट साइज में आप किस तरह से अपने घर की प्लानिंग कर सकते हैं और किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स मिलेगी। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर में यहाँ से आपका अगर आप देखेंगे तो 5 फिट है और यहाँ से 3 फिट एक्स्ट्रा जो निकाला गया है ये स्लैब लेवल निकलेगा हमारा। अब अगर हम बात करें तो ये जो ओपन है हमारे पास ऐसे में 5 फिट है, 5 फिट वाइड हमारा हो जाता है क्या आपका, यहाँ पर मिल जाता है आपको ये लॉन। अब अगर हम बात करें लॉन के बाद तो यहाँ से हमारा ये गेट हो जाता है जो कि आपका आगे आपको पता चल जाएगा कितना है। अब यहाँ से हम चलते हैं आगे तो देखते हैं, यहाँ से हमारे डोर पे जैसे हम डोर से अंदर जाते हैं तो यहाँ पर ड्राइंग रूम मिलता है 9 फिट 8 इंच बाय 10 फिट 8 इंच का, ये हो जाता है हमारा ड्राइंग रूम यानी कि बैठक वगैरह के हिसाब से। और यहाँ पर पोर्च हो जाता है, गाड़ी वगैरह जो है आपकी वो यहाँ पर 6 फिट 8 बाय 11 में आराम से खड़ी हो सकती है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ से हम जैसे आगे बढ़ते हैं पोर्च वाले हिस्से से आपको यहाँ से आप एंट्री लेते हैं D2 आपका जो 3 फिट है, यहाँ से अगर आप आते हैं तो ये किचन मिल जाता है आपको 7 फिट 4 इंच बाय 10 फिट 8 इंच का, ये हो जाता है आपका किचन। यहाँ से हम जैसे बात करें तो अब हम देख लेते हैं डाइनिंग का। डाइनिंग जो हिस्सा है हमारा 13 फिट 6 बाय 12 फिट का हो जाता है। यहाँ से आपके पास अब देखिए आप क्या क्या मिलता है, यहाँ से हमें मिल जाता है एक ओपन स्पेस 4 बाय 4 2 का, ये आपको ओपन स्पेस मिल जाता है। अब अगर हम बात करें तो WC हमारा 4 बाय 3 2 का हो जाता है, WC यानी आपके टॉयलेट्स में आ जाते हैं ये, और यहाँ पर बाथ यानी लेट और बाथ आपकी 4 बाय 4 और 4 बाय 3 2 की हो जाती है। अब अगर हम यहाँ से दोनों चीज़ हमें मिल गई हैं तो यहाँ से यहाँ तक 13 फिट 6 इंच का स्पेस हो जाता है। अगर आपको यहाँ पर समझ में ना आए तो यहाँ से आपका 3 फिट, यहाँ से 5 फिट 10 इंच और यहाँ से 3 फिट 2 इंच, ये हो जाता है हमारा टोटल स्पेस। अब बात करेंगे यहाँ से एक और आपकी एंट्री है इस पोर्च से, और यहाँ से जो 3 फिट है हमारा तो ये आपका यहाँ से स्टेयर भी जाती है और ये हमें यहाँ से एक बेडरूम मिलता है, बेडरूम में डायरेक्ट चले जाता है। यानी कि अगर आप चाहें तो रेंट पर इसे सेपरेट दे सकते हैं, इस हिसाब से भी इसकी कुछ प्लानिंग है और यहाँ से फर्स्ट फ्लोर भी आप जा सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा बेडरूम। बात करें तो यहाँ पर हमें एक ओपन स्पेस मिलेगा 4 बाय 4 2 का और यहाँ पर टॉयलेट, ये यहाँ से ओपन स्पेस से टॉयलेट आने के लिए यानी इस रूम के लिए आपका पूरी व्यवस्था हो जाती है अगर आप यहाँ से जाते हैं, यानी कि रेंट पर्पज से अगर आप देते हैं तो। बात करें यहाँ पर एक आपको बेडरूम मिल जाता है यहाँ से, यानी कि आपको अंदर से जाना होगा, तो ये बेडरूम जो इसका साइज है 10 फिट बाय 11 फिट का। अगर हम यहां से देखते हैं तो आप पूरी प्लानिंग एक बार देख लीजिए, सामने लॉन हो जाता है हमारा ओपन 5 फिट, यहां से पोर्च है, पोर्च से आपको विंडो वगैरह की पोजीशन दिखाई दे रही, यहां से आप स्टेयर से फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे और ये बेडरूम अगर आप इसे चाहें तो एक रूम कह सकते हैं, यहाँ पर टॉयलेट और एक रूम आप यहाँ रेंट पर भी दे सकते हैं या फिर आप गेस्ट के लिए भी रख सकते हैं जिसका आपकी घर की कनेक्टिविटी से कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पर आपका ड्राइंग रूम हो जाता है, एक डाइनिंग और एक आपका बेडरूम, साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक बाथ लेट बाथ मिल जाती है और एक किचन, यानी कि 2 BHK आपका इस तरह से हो जाता है जिसमें आप अगर चाहें तो 1 BHK आप यूज़ कर सकते हैं और एक रेंट पर भी दे सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक हो जाता है 25 फिट और यहाँ से यहाँ तक 35 फिट होगा आपका, और ये 5 फिट जो है आपका एक्स्ट्रा है। अगर आपके पास स्पेस कम है तो आप इसे 25 बाय 35 में भी बना सकते हैं, बशर्ते आपको ये सामने की जो जगह है लॉन गेट वगैरह ये नहीं मिलेगा और ये इतना स्पेस आपको नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।